सो वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो आज की जो वीडियो है ये आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे लेके आ रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वैगनार के ऊपर कोई वीडियो बनाओ और वैगनार के सीट कवर्स और उसमें क्या क्या छोटे मोटे मॉडिफिकेशन हम लोग करवा सकते हैं उसके बारे में हमें जरूर बताना, तो वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सूरज भाई हमारे साथ है, जैसा आप लोगों को पता ही है, तो कुछ नया शोरूम के बारे में अपडेट तो दो। नया शोरूम, नए स्पीकर्स, नए स्टीरियोस, नए एंड्रॉइड सिस्टम्स, नया हर चीज, नए आप, नए हम, ठीक है। सब चीज नया नया होगा, चिंता ना करो। चलो भाई ठीक है, एंजॉय करना, वीडियो देखो और जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। तो इसके बाद बारी आती है कि क्या क्या चीजें आप लोगों को, क्या क्या ऑप्शंस जो है वो लगवाने के आप लोगों को मिल जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम इस गाड़ी के अंदर लगाएंगे वो क्या लगा रहे भाई? प्राइमस लगा रहे। प्राइमस के कंपोनेंट्स फ्रंट में और कोएक्सल पीछे, क्योंकि गाड़ी के अंदर डैम्पिंग उन्होंने कराए नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा आउटपुट के लिए ये, क्योंकि एम्पलीफायर उनका इन बजट काम था, इन बजट के अंदर बढ़िया काम जो करके और अच्छे आउटपुट के साथ ये चीज है। चलो ठीक है। वायरिंग के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं वायरिंग कौन सी लगाए। सर्विन वेगा और फोकल की ये वायरिंग है जो आप लोग आके लगवा सकते हो। अगेन क्रोलबाक की मार्केट में ये बहुत ट्रेंडिंग है और स्कॉशिये E2 वाली, ये नाम क्या, ये क्रोलबाक की मार्केट में भी है नहीं, हमारे पास आया अभी तो। और उसके बाद जो है स्कॉचिये भी है हमारे पास, फोकल भी है, उसके बाद जो हल्के के अंदर फ्यूजन वगैरह भी है, फ्यूजन भी सही चल जाती है, ओरिजिनल जो फ्यूजन है, ठीक है भाई। उसके बाद भाई ब्लैक कैट का कैमरा हो गया, ये भाई आपका बैक कैमरा लगवाना हो बड़ा अच्छा है, खाकी डिब्बी वाला भी लगवा सकते हो। हाइड्रोसोनिक के हॉर्न्स, हाइड्रोसोनिक, ये क्या है भाई? भाई गजब की चीज है, अपनी शिफ्ट में जरूर ट्राई करना, बढ़िया हॉर्न है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलो भाई बढ़िया। इसी के साथ में अगर आप में से किसी का भी मन है कि आपको रिवर्स सिस्टम लगवाना है लेकिन स्टीरियो नहीं कनेक्ट करवाना है, तो आप लोगों को ये आपके सीधे जो रियर व्यूइंग मिरर है उसमें लग जाता है। ये आप लोगों के पार्किंग सेंसर है जो कि ईगल के आते हैं, इट्स वेरी गुड। इसी के साथ में हाँ बताओ ना, जैसे कि ये अलग अलग है तो ये ओनली टीटी जो करता है जो बैक होने पे, ठीक है। और इसी कंपनी के अंदर जो आता है जो आप सामने दिखा सकते हो ऊपर, वीडियो पार्किंग सिस्टम, ठीक है भाई। तो ये चीज भी नाम क्या आपका, ओके है, ये है जिसके अंदर सेंसर्स वगैरह सारी चीज, इस गाड़ी में सेंसर नहीं लगते, ठीक है भाई। अगर एम की बात करोगे स्टिल वी रिकमेंड पाइनियर का 1000 नंबर, और एक अगर आप लोगों को देखना है तो वहां देख लो भाई, सोनी वाला है, बढ़िया चीज है, आप लोग लगवाना चाहो लगवा सकते हो। हमारे पास अगर जिन भाइयों को जैसे कि हैवी जैसे कापा वगैरह लगाना है 2 सेट, तो उसके लिए सर्विन वेगा का भी एम्प अपने पास 900 वोल्ट और 1000 वोट अवेलेबल है हमारे पास, जो कि अभी इन स्टॉक नहीं है, मतलब आज 2-3 लग गए इस चक्कर में, नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में अगर आप लोगों को वैक्यूम क्लीनर चाहिए, ब्लैक कैट का वैक्यूम क्लीनर आता है जो कि काफी जबरदस्त है, ये कार वैक्यूम क्लीनर है। और सबसे बढ़िया चीज, अगर आप लोगों का बजट मतलब ठीक ठाक मीडियम वाला है, तो आप लोग 240 वॉट वाला ये किकर का स्पीकर है, क्या है ये, कोएक्सल है, कोएक्सल है ये, इसका कंपोनेंट्स भी है हमारे, ठीक है। एमटेक्स ऑडियो जो कि बहुत ट्रेंडिंग है, अमेरिकन ब्रांड है, इट्स अ वेरी रिनॉन्ड ब्रांड, अगर अच्छी आवाज सुनने के शौकीन हो तो एमटेक्स ऑडियो का 200 वॉट वाला ये चीज आप लगा सकते हो। चॉइसेस बहुत सारी है, रेफरेंस सीरीज जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में खूब चमकाई है, खूब ऑडियंस को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, ऊपर की तरफ में चेकआउट कर लो, रॉकफोर्ड भी आप लोगों को देखने को मिल जाए। और एक चीज जो मैं आप लोगों को हमेशा से बोलता था भाई, ये भाई इन्फिनिटी की अपनी वाली है, ये रेफरेंस सीरीज है, वो न्यू मॉडल ही है ये, ठीक है, ये कोएक्सल है उसके भी, क्योंकि काफी गाड़ियों के अंदर ना वो डबल ट्विटर लगाने से है ना थोड़ी छींची ज्यादा होती है, इस चक्कर में एक कोएक्सल और एक कंपोनेंट, ठीक है भाई। जो गाड़ी में हम लोग सीट कवर लगाने वाले हैं कौन सा कपड़ा रहने वाला है भाई? वो न्यूबक लेदर है एज यूजुअल, जबरदस्त। और इसमें जो कलर्स है ना मेरे पास, कलर लाने के 1.25 लाख रुपए इनाम, लाओ कलर कहाँ से लाओगे, ठीक है, 1.25 लाख रुपए इनाम दे रहे हो जी भाई, बिल्कुल। वो भी है ना 2000 के और 500, क्योंकि 2000 वाले बंद होने वाले हैं भाई, जो कुछ। चलो ठीक है भाई, इसी के साथ में गाड़ी का आप लोगों को आउटपुट चेक कराते हैं और फिर करेंगे और बात। ओके यूट्यूब, सो इट्स टाइम कि आप लोगों को एक बारी सीट कवर का रिस्पॉन्स जो है वो चेकआउट करा दिया जाए। अगेन अगर आप लोग इधर देखते हो तो भाई आप लोगों को बड़ा अच्छा वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो सूरज भाई कौन से सीट कवर लगाए सबसे पहले ऑडियंस को बताओ? न्यूबक लेदर ही है भाई, न्यूबक लेदर लगाया, क्या रिस्पॉन्स है? लाइफ टाइम गारंटी है, बहुत बढ़िया कवर है, कोई दिक्कत थोड़ी ना। चलो भाई ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन बताओ जरा क्या है? ब्लैक एंड क्रीम, ब्लैक एंड आइवरी टाइप लग रहा है थोड़ा, आइवरी टाइप जो डैशबोर्ड का कलर है, ठीक है, जैसा डैशबोर्ड का कलर है। तो इसके जो शेड होंगे ये थोड़ा शेड डार्क रहेगा, थोड़े टाइम बाद जब मिट्टी बैठ जाएगी तब बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। इसी के साथ में स्टेरिंग जो है वो OEM स्टाइल, अगेन इसमें आप लोग स्टिचिंग जो है अपने अकॉर्डिंग जोन से भी कलर की चाहो वो आप लोग करवा सकते हो, वो आपके चॉइस के ऊपर है, ठीक है। डिजाइनिंग वाइज अच्छा है। एक चीज और बता, स्टेरिंग के लिए लोग पूछते हैं कौन सा कवर सबसे बेस्ट है?
भाई जो कवर तो इसके अंदर इंपोर्टेड नापा भी है, बट मैं न्यूबक का ही वो स्टेयरिंग कवर भी वो करता हूँ रिकमेंड। वो तो मंगोलियन लगा लो, न्यूबक लगा लो, स्टेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। तो एक बार अगर आप लोग माउथ के बारे में बात करोगे अगेन, ये आप लोगों का 2GB वाला जो रैम है और 16GB रोम वाला है, तो बोला हाइपरसोनिक इसमें लगाया गया। और ये हाइपरसोनिक का एंड्रॉइड है, इसके बाद भी द्वारका में एक बहुत बढ़िया लॉन्च करने वाला एंड्रॉइड सिस्टम। चलो भाई ठीक है भाई, ने ये भी चीज आप लोगों को फॉर अ क्लैरिटी जो है वो समझा दी है। इसी के साथ में अगर आप लोग बात करते हो आर्मरेस्ट के बारे में, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कौन सा बढ़िया आर्मरेस्ट, एक बार खोलो इसको। तो ये आपका लकड़ वाला आर्मरेस्ट होता है जिसके अंदर बहुत स्पेस होता है, निकालो इसको बाहर निकालो। ये जो लकड़ वाला जो आर्मरेस्ट है ना, ये लकड़ वाले आर्मरेस्ट का क्या स्टोरी है, इसमें भी तीन क्वालिटी आती है भाई, तीन क्वालिटी आती है। जो ये सबसे बेस्ट है 1000-1200 रुपए की रेंज के अंदर होता है, ठीक है। इसमें 500 रुपए वाला भी है और 700 वाला भी है, ठीक है। तो बेस्ट कौन सा है? तो बेस्ट है ये 1000 रुपए वाला है, 1000-1200 का जो आता है। चलो भाई आ जाओ, एक बार गाड़ी के पीछे की तरफ आओ। ओए गाइस, तो एक बार यहाँ पर भी आप लोग चेकआउट कर लो, ठीक है भाई। कोई क्रीज लाइन नहीं है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया गया है। एक बार देख लो आप लोग, एक बार उधर से भी ये पिन उठाओ। आओ भैया एक बार इधर आओ, थोड़ी पिन उठा के सीट को फोल्ड करो एक बार जरा, ठीक है भाई। तो सबसे जरूरी चीज जो कि हम ऑडियंस के साथ हमेशा शेयर करते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको, पीछे ओरिजिनल कारपेट जो शोरूम से लग के आता है, जो शोरूम से लग के आता है। बहुत सारे लोगों ने सेम चीज करनी स्टार्ट कर दी है, जिसकी वजह से भाई बहुत अच्छी चीज है कि अब ऑडियंस को अच्छी चीज मिल रही है, अच्छी चीज मिल रही है। प्लस हमारे कुछ करने से हर गाड़ी के अंदर एक अच्छी चीज लगनी स्टार्ट हुई है। बट जो फैब्रिक है ना, ठीक है, आप कारपेट खरीद सकते हो, आप फैब्रिक सेम नहीं ला सकते कभी यार, जीवन में सोचना। चलो भाई बढ़िया है, एक बार भैया जरा हेडलाइट ऑन करो, रिफ्लेक्टर चेकआउट कराते हैं। सो गाइस मीनवाइल जो है इसमें आप लोगों को मैं दिखाता हूँ स्पॉइलर वाला जो ऑप्शन है, ये आप लोगों को स्पॉइलर वाला ऑप्शन मिल जाता है जो कि टॉप एंड वाला लुक देता है। इसी के साथ में गाड़ी में डोर वाइजर लगाया गया, ठीक है भाई। ये बेसिकली रेन वाइजर, डोर वाइजर जो आप बोलना चाहो बोल सकते हो। साइड बीडिंग है अगेन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गाड़ी में साइड से स्क्रैचेस लग जाते हैं, वो लगाए गए हैं। ये आप लोगों का डोर गार्ड होता है जो कि आई पॉप का है, कोई सा भी आप लोग चाहो तो वो आप लोग लगवा सकते हो। एक बार जरा चेकआउट कराओ रिफ्लेक्टर भाई, रिफ्लेक्टर भी देख लीजिए, उसके बाद मड फ्लैप्स भी लगे ओरिजिनल, ठीक है भाई। कॉर्नर, ठीक है, ये बंपर कॉर्नर लगे हुए हैं और इसी के साथ में मड फ्लैप भी ओरिजिनल वाले लगा के दिए, ओरिजिनल वाले जो कंपनी के अंदर लग के आता है, ठीक है। और भाई एक चीज और बताओ, जैसे इसके रिफ्लेक्टर है इसमें कोई और स्टाइल भी आता है? हां दो तीन स्टाइल आते हैं अलग अलग, ठीक है, दो तीन स्टाइल अलग अलग आते हैं। जिन भाई की गाड़ी एक बार उनसे आपकी बात करवाता हूँ। भाई एक बार नाम बताइए अपना। दीक्षांत। आपका नाम भैया? दिनेश। ठीक है भैया, तो गाड़ी का काम कैसा हुआ? बहुत बढ़िया काम हुआ, सेटिस्फैक्टरी, बिल्कुल आराम से। ये है कि हमने आगे इनको बता दिया अपनी कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला भैया आप आराम से बैठ जाओ, उसके बाद हम पूरी गाड़ी अप टू दिखा देंगे, तो आप चेक करना, तसल्ली से चेक करना, फिर उसके बाद आप कुछ कमी हो तो हमें बता देना। तो कोई कमी तो नहीं लगी? अभी कुछ भी कमी नहीं है, स्टीरियो से लेके सीट कवर तक देख रहे हैं कि आपने क्या लगाया भैया, कैसे बना दिया आपने, तो वो तो इनकी परंपरा थे कि इन्होंने हमारी गाड़ी भैया। एक है ना, एक बजट के अंदर काम करने का मजा ही कुछ और होता है। चलो सही बात है, बढ़िया काम करना ना, ये नहीं कि बेमतलब की चीजें लगा दो, बिल्कुल लगाओ उतना जितना गाड़ी सुंदर लगे देखने में। चलो भाई एक फीडबैक जो होता है भैया की साइड से मिल चुका है। अगेन अभी वीडियो जब एंड करूंगा प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। और सूरज एक चीज बता, सबसे बेसिक सीट कवर कौन सा आ रहा है? वो इंपोर्टेंट नापा है हमारा, इंपोर्टेंट नापा है, इसमें हम लोग गारंटी दे रहे हैं। कौन सा आ गया? 7 जन्म आ गए? वो नहीं, वो उसमें सोफा लेमिनेशन है 7 जन्म वाला ना। अच्छा 7 जन्म की गारंटी है उसमें, ठीक है। सो आई गेस कि गाइस आप लोगों को एक फीडबैक चाहिए था वो यहाँ पर मिल चुका है। अगेन एक चीज फॉर अपडेट मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप में से कोई भी चाहे तो यहाँ पर आप लोगों का, जैसे भैया ने यहाँ पर फॉग लैम्प लगाया, ये भी दो तीन क्वालिटी का आता है। सबसे टॉप मोस्ट वाला जो है वो ल्यूमेक्स का आता है, अगर आप लोग लगाना चाहो, थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा है। अगेन इसमें आप लोगों को IPH का ऑप्शन मिलता है जिसमें आपके HID डल जाती है और गाड़ी का जो ओवरलुक है बहुत बढ़िया है। ल्यूमेक्स भी है और एक खाकी बॉक्स वाला आता है। खाकी बॉक्स वाला कैसा? ये जो इसमें मैंने लगाया इसका भी रिस्पॉन्स देख सामने दिखा सकते हो, बहुत तगड़ा है। नहीं नहीं, फॉग लैम्प तो इसका ओके है भाई, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और IPH लग जाएगा ना इसमें? IPH भी लग जाएगा, HID फिर उसका तो तोड़ ही नहीं है कोई। चलो भाई ठीक है, फीडबैक जो है वो भाई की साइड से मिल चुका है, आई गेस कि आप लोगों को समझ आ गया।
तो सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार भाई लोगों से पूछ रहे थे भैया कितना टोटल पैसे आपने स्पेंड करे इस काम में? 38,000 रुपीज 38,000 रुपए करे। कोई ऐसा लगा कि भाई ज्यादा पैसे लग गया? कुछ लगा सही था सब कुछ? बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला काम हो गया। सेटिस्फेक्शन वाला काम हुआ। चलो आओ कि सारा काम आपको एक जगह पे आराम से गाड़ी रेडी मिल गई। चलो भाई सेटिस्फाई वाली बात हो गई। चलो भाई तो 38,000 का पूरा ये चीज था जो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगेन अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो आप लोगों को एक बढ़िया वाला ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। सबसे ऊपर अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों को अगेन सोफा लेमिनेशन वाला ऑप्शन मिलता है, उसके बाद न्यूबक है, उसके बाद मंगोलियन है, और उसके बाद आप लोगों को जो है इंपोर्टेड नापा वाला ऑप्शन मिल जाता है। गाइस सो विद दिस सेड इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगेन आप लोगों ने भाई से सुन लिया था स्पेंडिंग जो है वो 38,000 रुपीज की हुई है, यानी कि अगर आप अपनी वैगनर कराने आ रहे हो तो अच्छा खासा काम गाड़ी में हुआ था और 38,000 रुपीज़ की स्पेंडिंग में ये सारा काम हो गया। जो काम हुआ वो सूरज भाई के पास हुआ था, यानी कि कृष्णा काशिंगार, जो कि अब्दुल अजीज रोड करौलबाग में। अगर आप लोकेशन डालते हो गूगल में तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे भाई आप सेम सीट कवर्स की वीडियोस क्यों बना रहे हो? तो भाई मैं सेम गाड़ियों की वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन एक आप कह सकते हो एक कंटेंट पार्ट है जो कि ऑडियंस मेरे ऊपर ट्रस्ट करके काम कराने जाती है, तो मेरे को उनको अलग अलग गाड़ी दिखाना जरूरी है। मे बी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जिन भाई के पास वैगनार है या फिर क्रेटा है या फिर वेन्यू है तो उनके लिए हेल्पफुल रहती है, और इसीलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। एंड आई गेस कि मैं कहीं ना कहीं जस्टिस करता हूँ। अगर कोई भी बोलता है भाई क्यों बनाते हो, बोर हो गए, ये हो गए, तो मेरे को अपनी ऑडियंस जो कि वैरायटी ऑफ ऑडियंस, तो उनके लिए मैं अलग अलग कंटेंट लाता हूँ। और भाई ये करना पड़ेगा, अगर आपको मन नहीं करता है तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप अपनी वाली गाड़ी का वेट करो, लेकिन फिर भी अप्रिशिएट करना सीखो, किसी चीज़ को डाउनग्रेड मत करो। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करो, जैसा मैं अगर कोई ऑडियंस में भी होता है, कोई मिलता भी है, तो मैं हर चीज़ में अप्रिशिएट करता हूँ। सो छोटी सी बात है लेकिन समझ लो भाई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो विद दिस सेट का इस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए MUSAFIR711 यानी कि मुसाफिर 7811। फेसबुक में फॉलो करना, लिखिए मुसाफिर स्कॉट। सो विद दिस सेट गाइस करते हैं आज की वीडियो को एंड। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड